हाँ जी वीर जी की कहना चाहोगे की मसला से जाए? मसला जी अज पिंड चक शिकारगा दे विच जोगिंदर जई ते नाल दो संदीप ते एक मुंडा होर ते नाल इन्हां दे 50 मुलाजम नहीं आपां उन्हां नूं कह सकदे गुंडे अज साडे पिंड दे उत्ते हमला कीता। उन्हां दे नाल साडे उन्ने चिर नूं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साडे जिहड़े सकाई दे प्रधान ने उन्हां नूं पता लगा जदों पिंड दे विच आए ने किस तरह दा बिजली वाले जो पिंड दे विच आए ने ते किसान जथेबंदी ने कहा भी किसी घर का मीटर है मान लो जां कट्टिया जां तार कट्टणी जां साडे नाल बह के गल कर लो। उन्हां दे नाल मुलाजमां दे रूप च गुंडे सीगे उन्हां केवल कट्टण की कोशिश की है। साडे जिहड़े प्रधान ने इहो गल की भी साडे नाल बह के गल करो उन्हें सारे गलत शब्दावली वरती पिंड नूं गाल कढ के उन्हें कहा तुहाडे तों जिहड़ा कुछ हुंदा कर लो। इस तों बाद जिहड़े पिछे उन्हें नाल 30-40 गुंडे ने उन्हां ने जिहड़ा पथराव करता है ते साडे मुंडिआं दे सट्टां लगियां ने। इक जिहड़ा मुंडा देस है आह वेख लो जी आह मुंडा अंग्रेज़ है जी इन्हां दा वेखो जी सिर दा की हाल है। एक मुंडा जिहड़ा सिविल होस्पिटल गुरु घर साहिब भेजिआ उन्हां जवाब देता है तो उन्हां नूं फरीदकोट रैफर कर दिता गया है तो अजे तक मुंडा बोल भी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की है तुसीं वेख रहे हो मुलाजम सारे बैठे ने किसी के सिर च कोई सट होवे असीं देणदार हाँ पर क्यों ये कहिंदे ने भी पिंड वालिआं ने कुट्टिआ। जे पिंड वालिआं ने कुट्टिआ तो सट्टां जिहड़ियां पिंड वालिआं ते क्यों लगियां पुलिस मुलाजमान से क्यों नहीं लगियां जां पुलिस बाद आई जां जिहड़े बिजली वाले गुंडे आए ने उन्हां ते क्यों नहीं लगियां। जे एक घर की कहिंदे केवल लाउणी है तो 50 बंदे लियाउण दी की लोड़ है। वेखो जी डिफाल्टर जिहड़ा साडी जथेबंदी जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जिहड़ा साडा संघर्ष है चल रहा एक पासे दा जिहड़ी हुण वाली सरकार है उन्हें वोटां तो पहला यह गल्लां कीतियां भी सारे जिहड़े करजे माफ किए जाणगे बिजली के बिल माफ किए जाणगे उदों क्यों ना गल की भी 2 किलोवाट के किए जाणगे जां एसी ते किए जाणगे जरनल दे नहीं किए जाणगे एक उदों गल्लां क्यों नहीं कीतियां। जिहड़ा भगवंत मान अज कहिंदा है जिहड़ा इत्थे पचैती जमीना छड्ड दिओ क्यों वड्डे जिहड़े घराने ने मैनू दसो ये जई नूं पुछो भी कारखाने जिहड़े फैक्ट्रियां जां जिहड़े शैलर चलदे ने किन्नियां कुंडियां ते किन्ने इहने मीटर लाए ने इह हुण क्यों भगवंत मान नूं चेता आ गया जे इह उदों कंडीशनां रखणियां सी जदों साडे कोल वोटां लैण वास्ते आया सी जदों आम जनता दे विचों वोटां लईआं सी इह मंगां उदों रखणियां सी भी असीं 2 किलो दा माफ करांगे उतलिआं दा नहीं करना उह उहनां दी मर्जी हुंदी वोटां पाउंदे चाहे ना पाउंदे इह कंडीशनां उदों नहीं रखीआं गईआं। आम जनता जिहड़ी हाहाकार मची होई है पिंडां दे विच जमीनां ते कब्जे कर रही है सरकार मीटर ला रही है कुंडियां ला रही है बिजली तों भज रहे ने बिजली तां नहीं रही आ हुण वेखो बिजली है नहीं गी ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੀਟਰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਓ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ 5-7 ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਢਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ 50 ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ 30-40 ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। मैं जी सिद्धू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी चक शिकारगा पिंड इकाई का प्रधान हाँ जी। अज तो 20 दिन पहले जई साहब आए थी इतने इंदा से कोई कराउ नहीं किया इन फोन साड़ी गल हुई चोर तरह आया मीटर लाने 4-5 बंदे लैके आया इन्हें गड्डी अगों मोड़ ली है 2 बंदे तारते हैं मीटर को इन्हें चोरों तरह मीटर खिंच लिया बार मीटर बक्से के बचों जी ठीक है। बाद फोन लाया कहें गल करनी है कहें तुम जो करना कर लो अभी तारी गल नहीं सुननी ठीक है जी। ये जदों आता है ये इस तरह गुंडे लैके नाल आता है जी जिहड़ा साडे दे सट्टां लगियां मुंडिआं ते इहदा भी इंसाफ लैना है जिहड़ा मुंडा साडा दाखल फरीदकोट पिआ उहदा भी इंसाफ लैना है। जे तक जिहनां दा इंसाफ नहीं मिलता असीं संघर्ष दा यार रखांगे पूरा धरना नाल धरना भी लावांगे जिस जाना सानूं थाने जाना पिआ बिजली घेरनी जो मर्जी करना असीं घेरांगे जरूर पर असीं इंसाफ लै के इहनां नूं जाण देणा इत्थों चल पिया जी जी जी। अज सानू चक शिकारगढ़ तो सूचना मिली सी कि उत्थे बिजली मुलाजम अपने गए ने चैकिंग लई ते उत्थे पिंड वालियां ते बिजली मुलाजमान दे विचकार हैगी जिहड़ी तकरार होई हैगी ते उस तों बाद सानू ये सूचना मिली सी तां असीं इत्थे मौके ते आए हांगे पिंड वालियां नाल ते बिजली वालियां नाल असीं गलबात कीती हैगी ते जैसी भी जिहड़ी चीज़ बणूगी इहदे च बणदी कारवाई उह कानूनी कीती जाऊगी। हाँ जी सर की मामला सी जी? मामला जी पंजाब सरकार दीआं हिदायतां मुताबक बिल तां 2 किलोवाट तक माफ़ हो गए जी 2 किलोवाट तो वध जिन्हां दा लोड सीगा ना जी उहनां दा बिल माफ़ नहीं होया। बख्शीश सिंह मलूक सिंह दा इत्थों ही चक शिकारगढ़ दा उहने तकरीबन 2,70,000 दे करीब हैगी जी अमाउंट उह खड़ी सी उह बिल भर नहीं रहा सीगा जी। इस तों 3-4 महीने पहलां असीं आए उदों भी सारा स्टाफ सीगा एस टी ओ साहब जई साहब सारे सीगे
इन्हों ने उदों भी सानू घेर लिया जी, उदों भी फोर्स आन पर ही सानू छड़ाया। हुण एक तो सानू उपरों प्रैशर है अफसरां दा भी जिहड़े 2 लाख तो वध अमाउंट हैगी है वह पहलां जरूरी अगराओ। असीं अज सारा स्टाफ समेत SDO 3-4 SDO ने एक्शन साहब भी वैसे है इतने नहीं आए एक्शन साहब, अच्छा असीं आए हाँ तो इन्हों पता लग गया, इन्होंने स्पीकर अनाउंस कराता जी उदों ही भी बिजली वाले आ गए तो बल लो इन्हों तो डांगा भी नाल लईओ। अच्छा की होया जी, असीं इन्हां नेड़े होए हाँ जे तार लाउणी शुरू करिए, इन्होंने इट्टां वट्टे चलाउणे शुरू कर दिते जी। असीं तां मैं तां उन्हों बचाउण दी खातर अगां भज्जिया, वैसे मैनू भी डांग भज्जी पर उहदे तां काफ़ी ज़्यादा मतलब सट्टां मारियां उन्हां। किन्ने मुलाजमां दे सट्टे? मुलाजम तां साढ़े 3 दे लगे वैसे जी, ज़्यादा दे नहीं, पर उन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी, मतलब सारे मुलाजम असीं भज के कोई किसी दे घर वड़ गया जां कोई किसी दे ते ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਆਏ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਿੜਵਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ, ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਦੁਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਣਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਆਪਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, SC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ